अच्छा जी, यहाँ पे हेडिंग वन का हमने जो है ना स्टाइल चेंज कर रहे हैं। स्टाइल जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको पता चलेगा स्टाइल वही स्टाइल होता है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुनते हैं। तो इसी तरह जो टेक्स्ट है उसका स्टाइल कैसे चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे तीन तरीकों से करके बताया। पहले में क्या किया, सिर्फ अभी तक एच वन हेडिंग में ही हम काम कर रहे हैं। एच वन स्टाइल के अंदर हमने इसको इक्वल टू क्या किया, किसके बराबर हो इस बैकग्राउंड कलर के, और आगे दिया हुआ है RGB। RGB क्या है, रेड ग्रीन ब्लू, ये इसका एब्रिविएशन है। अच्छा, आगे उसने RGB का क्या किया है, 255, ये इसका रेंज दिया हुआ है। उसमें डिफाइन किया 255 रेड हो, 99 ग्रीन हो और 71 ब्लू हो, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया, बता दिया कि उसका बैकग्राउंड ये होना चाहिए, इस कलर में होना चाहिए, और किसका जो हेडिंग हम दे रहे हैं उसका ये हेडिंग लिख दिया। यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हो, अकेडमी का नाम लिख सकते हो, पूरी एक लाइन लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। जो डिस्प्ले होगा ये जो है ये आपके वेब पेज पर डिस्प्ले होगा इस कलर के साथ। इसी स्टाइल को उसने जो है ना आगे चेंज कर दिया, यहाँ पे जो उसका क्या कहते हैं जो नंबरिंग सिस्टम में इसको हेक्साडेसिमल बोलते हैं उसको, उसमें उस फॉर्म में उस कलर का नाम दिया हुआ है। वहाँ पे नंबर्स में दिया हुआ है, यहाँ पे हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है। इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, आप पिछड़ी पक जाएगी आपके जहन में। तो दूसरे फॉर्म में कलर इस तरह डिफाइन करते हैं उसके बैकग्राउंड का, हेडिंग वन का। तीसरे में क्या किया जी, यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, डिस्प्ले में एक होता है एस्पेक्ट भी बोलते हैं इसको, रेशो भी बोलते हैं, कलर्स में एक रेशो होता है ना कलर रेशो, तो 0.5 जो ना ये इसी का कलर रेशो है, ठीक है। तीसरा जी, इन्होंने क्या किया जी, इसको परसेंट में कलर दे दिया है। आप इतने डिटेल में नहीं जाइएगा, आप सिंपल ये ले लेंगी भी आपका काम हो जाएगा। RGB जो है अब ये 100%, 64% यही रेड ग्रीन ब्लू को परसेंट में डिफाइन कर रहा है। अभी 100% आप रेड कलर लोगे, बाकी सब सबको जीरो कर दोगे, वो आपका हो जाएगा सिर्फ रेड बिल्कुल कलर। अगर सिर्फ रेड करोगे तो क्या है, ग्रीन ब्लू में जीरो जीरो कर दिया आपने, 100 शुरू में पहले वाले को 100 कर दिया, तो सिर्फ आपका कलर जो आएगा वो रेड होगा। यहाँ पे जीरो कर दोगे, लास्ट में जीरो कर दोगे, बीच में 100 कर दोगे तो क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा। शुरू में जीरो कर दोगे दोनों, लास्ट में 100 कर दोगे, आपका ब्लू हो जाएगा, 100 पूरा ब्लू नजर आएगा। इन तीनों में अगर नंबरिंग आगे पीछे करोगे फिर आगे हमारे पास मिक्स कलर शुरू हो जाएंगे, जो हम वायलेट ब्लू मजीद और जो येलो जो कलर्स बाकी देखते हैं वो कब होते हैं इन नंबर्स को आगे पीछे करने पे। ये प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो तीन तरीके से हेडिंग्स को, बैकग्राउंड को इस तरीके से कलर दे दिया हमने, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो हमारा बॉर्डर कलर है टेक्स्ट के लिए, उसको यहाँ पे ये पिक्सल्स हैं, हाँ 2px, जहाँ भी कोडिंग्स में हम पिक्सल्स का नाम लेते हैं, पिक्सल्स ग्राफिक्स के अंदर, ग्राफिक्स की बेसिक जो है वो पिक्सल्स होती है, चाहे फोटो खींचने में हो चाहे आपका वीडियो एडिटिंग में हो, पिक्सल्स भी बात होती है, आपने खुद सुना भी होगा, ठीक है। तो जो हेडिंग वन का स्टाइल हमने दिया है यहाँ बॉर्डर के लिए, बॉर्डर जी कितना पिक्सल पे हो, 2 पिक्सल पे हो, सही है, बेसिक इतने से ही शुरू होता है। जो आपने बॉर्डर्स दिए होंगे कहीं पे भी वो 1-2 पिक्सल्स का ही होता है जो बॉर्डर। तो यहाँ पे इन्होंने बता जी पिक्सल सॉलिड टोमेटो, ये इसको टाइप बता दी कि रेड कलर में टोमेटो, सुन के समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। और क्या दे दिया जी वर्ड हमने, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड का बॉर्डर जी सॉलिड टोमेटो कलर में 2 पिक्सल में इसका बॉर्डर आ जाएगा, ये भी एक कोडिंग हो गई। इसी तरह यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, सिर्फ कलर चेंज किया है, सेम कोडिंग है, 2 पिक्सल पे सिर्फ कलर चेंज हो गया, वर्ड भी हमारे पास सेम है। यहाँ पे मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप हेडिंग वन के अंदर जो टेक्स्ट डिस्प्ले करा रहे हो वो कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, आप एजुक्राफ्ट डाल सकते हो, अपना नाम डाल सकते हो, स्कूल का नाम, एक्सेट्रा, कुछ भी हो, टेक्स्ट आपके हाथ में, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट कोड फॉर कलर्स, ये आप जबानी याद कर लो या लिख के रख लो, ये कलर्स के कुछ कोडिंग्स है, इन्हीं को ही आप यूज़ कर लेना, मजीद और भी आप यूज़ कर सकते हो, सिर्फ नाम भी लिख सकते हो, अगर ये आपको करने में मसला हो रहा है तो नेम से भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। ये सिंपल हमने सिर्फ कलर, उसका बैकग्राउंड कलर और उसकी बॉर्डर की सिर्फ बात की है। एक कोडिंग से भी आप कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, तीसरे तरीके की कर सकते हो, ये आपके ऊपर है।